जिस तरीके से जनजागरण अभियान पूरे प्रदेश में पार्टी ने चलाया है, उसी के अंदर क्योंकि उचाणा मेरी विधानसभा है, मेरी जिम्मेवारी भी बनती है कि श्रीमती नैना चौटाला जी को ऐतिहासिक अंतर से उचाणा से विजयी बनाकर हम भेजने का काम करें, और आज उसी में ही खापड़ और झील गांव में जनसंपर्क अभियान को बढ़ाया है। सर, अनुराग नाडा दो दिन पहले उचाणा आए थे तो कहते कि जो सीएम ने नायब सैनी ने बयान दिया था कि जांच करवाएंगे, कहते करवाते क्यों नहीं, कब करवाएंगे, और करवाएंगे तो मैं तो एक बार भी किसी इंक्वायरी की चर्चा 2020 से लेके और 24 तक आई कभी मना नहीं किया कराए, और मैं ये साफ तौर पर कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर हमने रेवेन्यू बढ़ाए, लोगों के दिक्कतें बहुत हुई, चोरियां रुकी, उन लोगों के गलत काम रुके, मगर उससे हम ना विचलित हुए, अच्छाई के लिए काम किए। पर अगर किसी के मन में है तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, घबराने का काम और ऐसा कोई मैंने किया नहीं जो मैं डर के बैठूँ। हमारा काम प्रदेश की जनता की आवाज़ को और ताकत देना है, और उसके अंदर हम कर रहे हैं। सर, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जांच करवाएंगे, करवा ले, मैं तो एक बार भी नहीं मना करता, फिर वो क्यों दिल्ली में घबरा रहे? अगर ऐसी चीज है तो पंजाब में क्यों घबरा रहे? आज जिसने करानी है जांच, खुल के कराने का काम कर। सर, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, सारे जयप्रकाश आए तो किस तरीके से देखते हैं? अभी तो चुनाव शुरू होगा, उम्मीदवार सारे मैदान में आए हैं, और धीरे धीरे जनता का जो मूड है उसमें क्लैरिटी आएगी। मगर हमारा ये मानना है कि जिस मार्जिन के साथ हमने 2014 के अंदर हिसार की लोकसभा को जीता था, उससे 4 गुना ज्यादा मार्जिन के साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को हम यहाँ से सांसद चुनकर भेजेंगे। सर, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में गए लेकिन वहाँ पे टिकट उनके बेटे को नहीं मिले, उसको लेकर क्या? इस पर ना कहूँ मैं बेहतर है, क्योंकि 4 साल तो उनके ये पीड़ा थी कि दुष्यंत विधायक क्यों है, गठबंधन टुड़वाने की उनने चर्चा करी, हमेशा खुल के करी। 2 दिन पहले गठबंधन टूटने से उनका बेटा भाग के पटका पहना है, इस इच्छा के साथ कि शायद लोकसभा की टिकट कांग्रेस दे दी, और कांग्रेस की टिकट वितरण में भी उनका नंबर कट गया। अपने हरियाणा में कई कहावतें हैं, जैसे एक है कि क्या बिरान माटी होगी, रेरे माटी होगी, उससे ऊपर भी कुछ होती हो, तो शायद ऐसी कोई चीज मैं मानता हूं कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। सर, बीजेपी को बड़े नेता छोड़ के जा रही है, इसको लेकर के? अभी तो चुनाव है, मौसम है, लोग आएंगे जाएंगे, और ये सारी परिस्थितियां ही पृष्ठभूमि को तय करेंगी। सर, गेहूं को लेकर किसान परेशान है, पेमेंट नहीं है। मैंने मंडियों के दौरे भी करे, मंडियां के निरीक्षण भी पार्टी के अलग अलग पदाधिकारियों से कराए। एक चीज साफ हुई है, संकार गंभीर नहीं है, किसान टूटा पड़ा है, सरकार किसान को और ज्यादा तोड़ने का काम कर रही है, और साफ दिखता है। आज सरसों की पेमेंट्स भी 17-18 दिन हो गए, अब तक हैफेड और वेयर हाउसिंग दे नहीं पाया। वही वीट की लिफ्टिंग को बहाना कर किसान की परचेज को भी डिले किया गया। मुझे याद है पिछले साल 25 तारीख से मंडियां बंद होनी शुरू हो गई थी, और 1 मई को हरियाणा प्रदेश में वीट की परचेज बंद कर दी थी। आज तो 27 होगी, और अभी भी सिर्फ सरकार की नियत की वजह से डिले किसान की प्रोक्योरमेंट में हो रहा है, और पेमेंट जो 72 घंटे 48 घंटे का मैकेनिज्म हमने बनाया था, इस सरकार ने तो उसको भी पिछले 1 महीने में फेल कर दिया। और ये तो आप स्वयं जाकर मंडियों में देख सकते हो कि किसान की पीड़ा क्या है। हाँ, मेरे से नाराज जरूर है, पर अब जरूर बहुतों को ये एहसास भी हो रहा है कि 4 साल जो पैसा खाते में आया, प्रोक्योरमेंट जिस तरीके से हुई, हमारी हिस्सेदारी की वजह से किसान सशक्त प्रदेश में बना। सर, बीजेपी जेजेपी कैंडिडेट्स का विरोध बहुत ज़्यादा, और उसके मेरा तो 2 इंसिडेंट पता है, चाहे वो डॉक्टर साहब का कुंगड़ में हुआ हो या दिग्विजय सिंह का हुआ, और दोनों जगह कांग्रेस के प्लॉटेड लोग थे। बीजेपी का भी हो रहा है सर, अभी अशोक तंवर का नरवाना में भी हुआ था। जनता है, अगर आप उनके सुनवाई नहीं करोगे, उनसे चर्चा नहीं करोगे तो विरोध भी करेंगे, वो तो हमारे हैं, लोकसभा में भी उनने चुन के भेजा है हमें, विधानसभा में भी वही चुनेंगे। अगर विरोध कर रहे हैं तो कोई गिला शिकवा है, दूर करना हमारा काम है, कर लेंगे तो जिता देंगे, नहीं कर पाएंगे तो हरा देंगे।